हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अपने इस वीडियो में बेटा हम देखेंगे किस तरह से हम अपने कमिंग बोर्ड एग्जाम में अपने अकाउंटेंसी की आंसर शीट को यूज कर सकते हैं, वेयर इन वी आर ऑलरेडी हैविंग रेडीमेड फॉर्मेट्स फॉर अस फॉर जर्नल एज वेल एज फॉर लेजर। तो सबसे पहले तो बेटा वी शुड नो द टोटल नंबर ऑफ शीट्स इन आवर आंसर शीट। सो द टोटल नंबर ऑफ शीट्स दैट यू विल बी हैविंग इन योर आंसर शीट इज 32। आपके पास टोटल 32 शीट्स होंगी। फ्रॉम पेज नंबर 1 टू पेज नंबर 16 देयर विल बी नॉर्मल रूल शीट्स, जैसे कि भी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ऑन विच यू कैन राइट योर पेपर। फ्रॉम पेज नंबर 17 टू पेज नंबर 24 यू विल बी हैविंग 8 शीट्स, जहां पर आपके पास रेडीमेड जर्नल का फॉर्मेट होगा। ऑलरेडी द फॉर्मेट हैज बीन मेड फॉर यू। फ्रॉम पेज नंबर 25 टू पेज नंबर 32 व्हिच इज द लास्ट शीट, लास्ट पेज नंबर, आपके पास 8 शीट्स, 8 पेजेस होंगे फॉर लेजर। तो यानी आपके पास 8 पेजेस बने हुए आएंगे जर्नल के। 8 पेजेस पे आपके पास ऑलरेडी फॉर्मेट होगा लेजर का। तो देखो हमारे पास बेटा 32 शीट्स हैं, टोटल 16 शीट्स आपकी जो है वो रूल शीट्स होंगी, 8 शीट्स आपकी होंगी जिस पर आपका जर्नल ऑलरेडी बना हुआ होगा, और 8 शीट्स आपकी ऐसी जिस पर आपका लेजर ऑलरेडी ड्रॉन है। सो देयर आर टोटल 32 शीट्स और ये बायफर्केशन है। नाउ इट इज योर चॉइस वेदर यू वॉन्ट टू अटेम्प्ट द पेपर ऑन दिस रूल शीट और यू वॉन्ट टू यूज अ जर्नल जो आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है, और यू वॉन्ट टू यूज अ लेजर जो आपके पास ऑलरेडी गिवन है। तो अब ये यूज कैसे करने हैं फॉर्मेट्स हमारे पास जो ऑलरेडी गिवन है। सी बेटा, इफ आई स्टार्ट विद जर्नल, तो हम जर्नल के फॉर्मेट को किन किन चैप्टर्स में यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज अ फॉर्मेट ऑफ जर्नल फॉर द चैप्टर डिबेंचर्स। देखो डिबेंचर्स में हमारे पास एक 3 मार्कर क्वेश्चन आएगा और एक 5 मार्कर, और अगर ये जर्नल का क्वेश्चन है तो हम 3 शीट्स यूज कर सकते हैं। अराउंड 3 पेजेस हमारे ये 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में चले जाएंगे डिबेंचर्स के। देन वी कैन यूज जर्नल फॉर डूइंग क्वेश्चन ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का क्वेश्चन अगर हमारे पास जर्नल आ जाता है 5 मार्कर, तो अगेन हम 2 to 3 पेजेस पर अपना जो है वो अपना डिसोल्यूशन कंप्लीट कर सकते हैं। आई एम सेइंग 2 to 3, 1 या 2 पेजेस में भी आराम से आप डिसोल्यूशन का क्वेश्चन कर लेंगे 5 मार्कर। स्टिल वी आर लेफ्ट विद 2 पेजेस। अब वो 2 पेजेस जो हमारे पास बच गए हैं उस पर हम क्या बना सकते हैं, अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। तो ये 2 पेजेस भी हम यूज कर लेंगे। इस तरह से हमने 8 पेजेस यूज कर लिए, 3 पेजेस फॉर डिबेंचर्स, 3 पेजेस फॉर डिसोल्यूशन, 2 पेजेस फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट। सिमिलरली बेटा हमारे पास लेजर्स भी गिवन है। अब हम लेजर्स को किन चैप्टर्स में यूज कर सकते हैं। हम लेजर को यूज कर सकते हैं फॉर चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जहां हमारे पास फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आ गया एनपीओ का, वहां पर हम इस फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। और इस फॉर्मेट को अगर हम यूज करेंगे तो हम इसको किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज इट फॉर प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ऑन एन एवरेज मान लेते हैं 3 पेजेस हमारे यहाँ पर यूज हो जाते हैं। देन बेटा हमारे पास क्वेश्चन आता है फुल फ्लेज्ड रिटायरमेंट और डेथ का। डेथ का तो फुल फ्लेज्ड नहीं है, रिटायरमेंट का अगर हमें फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि डेथ में यूजुअली हमने देखा है अपने पेपर्स में, सैंपल पेपर में भी, कि हमें कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट और उसकी जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आया। तो अगर मान लेते हैं कि अगर डेथ हमारा वही आ रहा है और फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन रिटायरमेंट का आ जाता है, जहां हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट, अगेन वी कैन यूज दीज लेजर्स। तो 3 पेजेस यहाँ भी यूज हो गए। लास्ट बेटा हमारे पास बचता है डिसोल्यूशन। सी आपके पास रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन में अगर चॉइस आ जाती है लेजर के क्वेश्चंस में,
और 5 मार्कर में अगर इन 2 चैप्टर्स में चॉइस है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं वहां पर, हम या तो रिटायरमेंट करेंगे या डिसोल्यूशन करेंगे। तो अगेन हमारे पास शीट्स भी हैं, तो अब 2 शीट्स बच भी रही हैं। अगर कोई और छोटा क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, मान लो एनपीओ का ही क्वेश्चन है हमारे पास, अगर जहाँ हमें स्पेसिफिक फंड की ट्रीटमेंट दिखानी है, तो वहां पर भी हम लेजर को यूज कर सकते हैं। तो जो हमारे पास जो लेफ्ट ओवर 2 पेजेस हैं वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने आपको बताया हम कहाँ कहाँ पर जो है इन रेडीमेड फॉर्मेट्स को यूज कर सकते हैं। हम एनपीओ का फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन कर सकते हैं, इस पर रिटायरमेंट, इन 2 क्वेश्चन में बच्चे को स्ट्रेस भी रहता है, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो अगर आपके पास ऑलरेडी फॉर्मेट है तो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है 2 बड़े 5 मार्कर क्वेश्चन में। सिमिलरली कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑल्दो हमने जर्नल यूज किया है, अगेन इट इज अ बिग क्वेश्चन, तो हमारी प्रॉब्लम, हमारा स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अगर हम इन फॉर्मेट को यूज करते हैं तो हमारा बहुत टाइम बच जाएगा लाइंस ड्रॉ करने में। नाउ बिफोर टेलिंग यू हाउ टू यूज दीज फॉर्मेट, सबसे पहले हम अपनी आंसर शीट देख लेते हैं। फर्स्ट 16 शीट्स बेटा हमारे पास, जैसा कि मैंने बोला, वो रूल शीट्स हैं 1 to 16। एंड देन वी हैव फ्रॉम पेज नंबर 17 वी हैव फॉर्मेट ऑफ जर्नल टिल पेज नंबर 24 द सेम फॉर्मेट इज बीइंग देयर। एंड फ्रॉम पेज नंबर 25 नाउ इट इज स्टार्टिंग विद द फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स, दैट इज लेजर अकाउंट्स। सो फ्रॉम 25 टिल 32 We are having all ledger accounts. तो अब हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि हम जर्नल को कैसे यूज करेंगे। देखो अगर क्वेश्चन तो जर्नल एंट्री का ही है, जैसा कि मैंने बोला कि डिबेंचर्स में और डिसोल्यूशन में हमें यूज करना है जर्नल, तो ऑलरेडी मेरे पास फॉर्मेट है। वॉट आई विल डू, आई विल सिंपली राइट माई क्वेश्चन नंबर, लेट से क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मेरे पास जर्नल का क्वेश्चन है, और अगर वो कॉन्टिन्यूएशन में जा रहा है तो पेज नंबर 17 और 18 दोनों पर मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिख दूंगी और अपनी अपने आंसर को कॉन्टिन्यूएशन में कर सकती हूँ। नाउ मैंने अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया, लेट से नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज आल्सो अ जर्नल क्वेश्चन, और मान लेते हैं ये क्वेश्चन डिसोल्यूशन का है। अगेन ये 2 शीट्स पर अगर कंटिन्यू हो रहा है तो बस मुझे क्वेश्चन नंबर 8 लिखना है डिसोल्यूशन का, और आई कैन यूज दिस शीट। नाउ व्हेन इट कम्स टू कैश फ्लो स्टेटमेंट, इस फॉर्मेट को किस तरह से यूज करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए, सिंपली बेटा वी विल कट दिस जर्नल और हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, इन द बुक्स ऑफ कंपनी, जिस भी कंपनी की बुक्स में हम ये एंट्री कर रहे हैं, वी विल राइट कैश फ्लो स्टेटमेंट। अदरवाइज आप लोग ये सब चीजें नहीं लिख पाते हैं अपने एग्जाम में, सो यू यू कैन हैव अ कंप्लीट फॉर्मेट नाउ एंड यू कैन राइट हियर फॉर द ईयर एंडेड। हमने अपना फॉर्मेट जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो भी हेडिंग है वो अपने फॉर्मेट के ऊपर लिख दी। पर्टिकुलर्स विल रिमेन पर्टिकुलर्स। मैं अपने लेजर फोलियो को जो है वो कट करके यहाँ पर इसकी जगह पर क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट डिटेल्स। सिमिलरली बस ये डेबिट कट कर देते हैं और रुपीस को रुपीस ही रहने देते हैं, और हमारे पास देखो डिटेल्स का कॉलम भी रेडी हो गया और हमारे पास अमाउंट का कॉलम भी रेडी हो गया। सो यहाँ मैं बहुत इजीली अब लिख सकती हूँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सिमिलरली मैं बहुत इजीली यहाँ पर अपना नेक्स्ट हेड ओपन कर सकती हूँ, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो बहुत इजीली बेटा आप इस फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं जर्नल के फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, और ऐसे आप अपना फाइनेंसिंग हेड भी लिखेंगे, जो भी आपकी वैल्यूज हैं, जो भी आपने एडजस्टमेंट्स किए हैं, उनका जो फाइनल आपके पास अमाउंट आ रहा है ऑपरेटिंग का, देन इन्वेस्टिंग का, यू कैन सिंपली कैलकुलेट एंड यू कैन यूज दिस टेबल। लास्ट कॉलम अगर आपका खाली जा रहा है कोई बात नहीं, वो अपने आप एग्जामिनर के लिए छोड़ सकते हो, आप मार्किंग के लिए द एग्जामिनर कैन यूज दिस प्लेस। लाइक अगर मान लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1.5 मार्क्स का है और मेरा इन्वेस्टिंग 1 मार्क्स का है, तो ये टेबल आप ये मत सोचो कि खाली जा रहा है
और ये अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा बुरा कुछ नहीं है, आपका जो हैंडराइटिंग है दैट शुड बी लेजिबल, सब समझ में आना चाहिए और बहुत नीटली लिखा होना चाहिए। ट्राई टू अवॉइड ओवर राइटिंग हेयर, जो आप लिख रहे हैं यहाँ पर आप बस कोई ओवर राइटिंग नहीं करेंगे, योर वट एवर आइटम्स यू आर राइटिंग दे शुड बी ऑल क्लियर, क्लियरली स्टेटेड, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कैश फ्लो स्टेटमेंट को अटेम्प्ट करने। तो यहाँ मैंने डिबेंचर्स, डिसोल्यूशन और सीएफएस के लिए जर्नल का फॉर्मेट यूज किया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, जर्नल के बाद लेजर के फॉर्मेट पर, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 25। अगर मान लेते हैं मुझे एनपीओ का फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आई कैन सिंपली राइट हेयर इन द बुक्स ऑफ जिस भी क्लब का या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट आई एम प्रिपेयरिंग। अगर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रही हूँ तो आई कैन राइट हेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आई कैन राइट हेयर फॉर द ईयर एंडेड, देखो कुछ भी खराब नहीं लग रहा। यहाँ पर आई कैन राइट माई क्वेश्चन नंबर, बस मुझे इस पर्टिकुलर की जगह पर एक्सपेंडिचर लिखना, और मेरे पास बहुत स्पेस है कि मैं नीटली एक्सपेंडिचर लिख सकती हूँ। और सिमिलरली आई विल कट हेयर एंड राइट इनकम, तो देखो कितना लेजिबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि समझ नहीं आ रहा, आपको समझ नहीं आएगा या एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा, बहुत नीटली आपका फॉर्मेट जो है वो ड्रॉ हो गया है। एक्सपेंडिचर में लेट से आई हैव टू राइट सैलरी, आई हैव टू राइट कंज्यूमेबल आइटम्स, और इनकम साइड पे मान लेते हैं लेट से वी हैव सब्सक्रिप्शन। तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत अनटाइडी लग रहा है और हम इसको नहीं यूज कर पा रहे हैं फॉर्मेट को। लेट से गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है तो वो भी हम यहाँ पर बहुत इजीली लिख सकते हैं। और भी कोई अगर आइटम आप लिखना चाहते हैं लाइक एडमिशन फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, वट एवर, सो यू कैन राइट देम। तो कुछ भी ऐसा खराब नहीं लग रहा है अकाउंट्स में आपके पास। यहाँ पर भी हमारे पास अमाउंट आ गया, डेट का कॉलम खाली जा रहा है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर आपने डेट में कुछ नहीं लिखा है तो इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सीबीएसई ऑल्सो नो, एग्जामिनर ऑल्सो नो कि आपको जो फॉर्मेट है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मिल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो जो है वो चेंजेस रहेंगे ही रहेंगे फॉर्मेट में। अगर आप ये डेट का कॉलम इग्नोर कर देंगे, यू विल लीव इट एज इट इज, तो कुछ गलत नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर कोई और एक्सपेंस अगर मुझे लिखना है लेट्स से डेप्रिसिएशन, देन आई कैन राइट दैट ऑल्सो। लास्ट में अगर मेरा सरप्लस आ रहा है, आई कैन कैलकुलेट माई सरप्लस, आई कैन क्लोज दिस अकाउंट, और देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो प्रिपेयर हो गया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के बाद लेट्स से ऑन द नेक्स्ट शीट पेज नंबर 25 के बाद 26 पर आई हैव टू प्रिपेयर माई बैलेंस शीट। आप बिल्कुल भी घबराना नहीं कि मेरे पास तो अकाउंट गिवन है और मुझे बैलेंस शीट बनानी है, डजेंट मैटर। अगेन आई विल राइट हियर बैलेंस शीट एज एट, जिस भी डेट की मुझे बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है आई विल राइट इट हियर, और उसके बाद मुझे बस यहाँ एक कट लगाना है एंड आई विल राइट हियर लाइबिलिटीज। सिमिलरली आई विल कट दिस पर्टिकुलर, आई विल राइट एसेट्स हियर, और लेट से एसेट्स में मेरे पास है कैश, एसेट्स में मेरे पास है बैंक, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, वट एवर एसेट्स आर देयर विद मी, आई सिंपली राइट माई बैलेंसेस। अभी मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ही कॉन्टिन्यूएशन कर रही हूँ। सिमिलरली यहाँ पर आई विल राइट माई कैपिटल फंड, अगर इसमें कुछ सरप्लस या डेफिसिट एडजस्ट करना है आई विल एडजस्ट दैट। मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई है, ओपनिंग भी आप ऐसे ही बना सकते हैं। देन लेट से आई हैव लाइफ मेंबरशिप फीस, और मेरे पास कोई एडवांस सब्सक्रिप्शन है, तो जो भी मेरे पास लाइबिलिटीज और एसेट्स हैं आई विल राइट एंड आई विल क्लोज माई बैलेंस शीट। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर आपको क्या पढ़ना मुश्किल लग रहा है कि इन फॉर्मेट्स को यूज नहीं कर सकते, और जब एग्जामिनर यूज करेगा यू कैन सिंपली चेक एंड ऑल आइटम्स करेक्ट एंड यू विल गेट फुल मार्क्स 515। तो बिल्कुल भी ऐसा कोई इशू नहीं है कि इसको चेक करना भी डिफिकल्ट है। यू कैन सी आई हैव चेक द शीट इन फ्रंट ऑफ यू, और फॉर्मेट भी आपके सामने बनाया है, ऐसी कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। नाउ 26 शीट भी हमने यूज कर लिया, अब अगर हम 27 शीट पर अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं, पार्टनरशिप का जो क्वेश्चन है, लेट से हमारे पास रिटायरमेंट का फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आ जाता है,
तो अगेन आई विल राइट हेयर इन द बुक्स ऑफ, जिसकी भी बुक्स में आई एम प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट, एंड देन आई विल राइट रीवैल्यूएशन अकाउंट, आई विल राइट फॉर द ईयर एंडेड. मुझे अपना फॉर्मेट पूरा बनाना है. और लेट से नाउ देर इज डिक्रीज इन एसेट, सो डिक्रीज इन एसेट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड. माइट बी देर इज एन इंक्रीज इन एसेट, सो इंक्रीज इन एसेट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. तो यहाँ पर मैंने अपना क्रेडिट साइड पर जो है अपना इंक्रीज इन एसेट जो है वो रिफ्लेक्ट कर दिया. सेम इज विद लाइबिलिटी, इफ माई लाइबिलिटी इज इंक्रीजिंग आई विल रिफ्लेक्ट इट ऑन द डेबिट साइड, और अगर माई लाइबिलिटीज आर डिक्रीजिंग आई विल शो इट ऑन द क्रेडिट साइड. और लास्ट में मेरे पास लेट से नेट प्रॉफिट आ गया जो मुझे ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में, मैंने वो ट्रांसफर करा ए और बी जो भी पार्टनर है, लेट से सी भी है, और अपने अकाउंट को क्लोज कर दिया. तो देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है. अगेन एज एन एग्जामिनर अगर मैं इसको चेक करती हूँ, आई विल चेक दिस 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 ऑल एंट्रीज करेक्ट. लेट से माय रीवैल्यूएशन अकाउंट वाज फॉर 2 marks, यू विल गेट 2 on 2. तो कुछ भी हमारे पास ऐसा नहीं है जो क्लियर नहीं है, समझ नहीं आ रहा है, सब बहुत नीट और टाइडी है. बस कोई ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, कटिंग नहीं होनी चाहिए, इन चीजों का आपको ध्यान रखना. डेट का कॉलम यू विल इग्नोर. नाउ कमिंग नेक्स्ट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक. बहुत से बच्चों को लग रहा होगा अब हम इसमें कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे. यू विल सिंपली राइट हेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड लेट से हमारे पास 3 partners हैं. अब हम कैसे यूज करेंगे यहाँ पर इस लेजर अकाउंट को. देखो डेबिट साइड के लिए सिंपली हैव टू ड्रॉ लाइन, और क्रेडिट साइड के लिए मे बी आई हैव टू ड्रॉ 2 lines, 2 columns मुझे ड्रॉ करने पड़े. तो देखो 3 partners के लिए मेरे पास अकाउंट जो है वो रेडी हो गया. और यहाँ पर सिंपली आई विल राइट द नेम ऑफ पार्टनर. लेट से माई फर्स्ट पार्टनर इज ए, सो आई विल राइट हेयर ए. माई नेक्स्ट पार्टनर इज बी, मैं इसको कट कर दूंगी. नेक्स्ट पार्टनर सी, इसको कट कर देंगे. अगेन पर्टिकुलर्स बना हुआ है ए बी एंड सी, एंड वी विल जस्ट पुट अ लाइन ऑन अमाउंट. अब यहाँ पर बहुत सिंपली मैं आई कैन राइट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी ए और बी का बैलेंस है. आई कैन राइट हेयर इफ एनी रिजर्व हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, तो मैं यहाँ पर रिजर्व भी बहुत क्लियरली लिख सकती हूँ. अगर कोई रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है दैट टू आई कैन राइट हेयर. एंड सिमिलरली अगर यहाँ पर मेरे पास कोई लॉस है रीवैल्यूएशन का, दैट आई कैन राइट हेयर. और बहुत इजीली आई कैन क्लोज अकाउंट. लेट से बी रिटायर हो रहा है, तो हमने यहाँ पर बी का लोन अकाउंट भी ओपन कर दिया, और बाकी 2 partner जो हैं ए और सी, उनका जो है हमने बैलेंस कैरी डाउन कर लिया. सो विद दिस वी आर डन विद आवर अकाउंट्स. मैंने लाइन ड्रॉ किया और अपने अकाउंट्स को क्लोज कर दिया. तो देखो कैपिटल अकाउंट बनाना भी यहाँ पर कोई बहुत टफ चीज नहीं है, बहुत लेजिबल है. अगेन एज एन एग्जामिनर इफ आई यूज माई रेड पेन एंड आई चेक योर कैपिटल अकाउंट, तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है अकाउंट्स को रीड करने में. आई थिंक नाउ योर कंफ्यूजन ऑफ यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मैट विच इज बींग देयर इन योर आंसर शीट इज क्लियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Stay connected and do subscribe my channel. Do not forget to comment.